कती फ्री दवाई दू हूँ, रीढ़ की हड्डी की नसें दबी हुई हैं, बैक इंजरी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से? जयपुर राजस्थान से। सिर में दर्द रहता है, एलर्जी हो रखी है। कहाँ से आए हो आप? हम द्वारका से। दिल्ली द्वारका? हाँ जी। ओहो, दूर दूर फरीगा सुनका आ गया, क्या आराम भी हुआ? नहीं, पिताजी को काफी आराम है। कहाँ से आए हो? राम राम भाई, दिल्ली में, पालपुर से। 15 दिन की दवाई ली, बहुत आराम है। पापा ले गए तो पहले तो दवा दिलवा गए, तो आराम है। उनकी दवा लेना आया था। ये 13 बीमारी है, 13 की 13 पे जबरदस्त रिजल्ट है। आप उसको फ्री में ठीक कर दे? फ्री में ठीक कर रहे हैं जी, यहाँ पैसे का कोई काम नहीं है। अभी मनु मौज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई झज्जर जिले के बराणी गांव में मैं मौजूद हूँ, और हमारे सामने बिल्कुल आप देखने लग रहे हो बैक साइड में भीड़ लग रही है। ये देखो बहुत सारे आदमी बैठे भी हैं, बहुत सारी माताएं भी आ रही हैं, बहनें भी आ रही हैं, और वैद या बताया कोई जो कहे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कती फ्री दवाई दू हूँ। पॉसिबल तो नहीं लगता भाई कती फ्री दवाई कोई किसी को रोज की रोज कैसे दे देगा, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हुआ है, दवाइयां बहुत महंगी आओ है, देसी दवाई आयुर्वेदिक दवाई तो वैसे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हुए हैं। एक बार ये गणेश साथी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ भाई, ये क्या करने आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहाँ से आए हो? मैं झज्जर से आई हूँ। माता जी क्या हो रहा है आपको? मेरे को है ये, मेरी सारी ना रीढ़ की हड्डी की नसें दबी हुई हैं, बैक इंजरी तो है। पहली, हाँ, पहली बार आई हूँ अभी तो। पहली बार आई? हाँ जी। कैसे, किसी ने बताया? हाँ जी, मतलब एड देखी थी। अच्छा, एड काम कर रही है हमारे जैसा की? अब लेके जाएंगे तो पता लगे, अभी तो एड से ही आए हैं। एड से आए? हाँ जी। चलो सही है माता जी, आप ठीक हो, हम तो भगवान से दुआ कर। भाई राम राम। भाई राम राम। कहाँ से आए हो? हम भी झज्जर से। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साथ में लेके आया उनको दवाई दिलाने के लिए। पहले भी आए हो? पहले भी आए हैं। पैसे कर गुजारा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसे नहीं देता? कोई पैसा नहीं। ठीक हो गया कोई? हाँ ठीक हो रहे हैं। आप क्योंकि इनको लेके आए हो? हाँ जी। उनको क्या प्रॉब्लम है? इनको एलर्जी है, तो 15 दिन का दवाई लिया, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। आराम है बहुत। राम राम भाई हो? राम राम भाई। कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से? जयपुर राजस्थान से। कोई इतनी दूर खड़ा आगे उड़े नहीं पाया तुमने? कोई यूट्यूब में देख के आए हम, तो ऐड देख के आए। क्या दिक्कत हो रही थी? सिर में दर्द रहता है, एलर्जी हो रखी है। दोनों इकट्ठे हो गए? दोनों दो बीमार इकट्ठे हो गए चल उड़ते हैं। और यूट्यूब ले लिया पुरानी गांव में तो लागे ठीक हो जाएगा। ठीक हो? पहली बार आए? पहली बार ही आए। लेते देखते क्या होता है। पहली बार आए? पैसे ना लेता पता नहीं था। वो तो एड देखा था, एड पे तो बताया था कि पैसे वैसे तो कुछ नहीं है, फिर फोर्स है। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। कहाँ से आए हो आप? हम द्वारका से। दिल्ली द्वारका? हाँ जी। ओहो, घनी दूर दूर फरीगा सुनका आ गया, क्या आराम भी हुआ? नहीं, पिताजी को काफी आराम है। उनको क्या हो गया था? घुटनों में प्रॉब्लम है काफी, पेट में भी दिक्कत थी। आप ठीक हो? हाँ जी। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मेरे भी पैरों में है, लेकिन 15 दिन की कोस्ट थी, अभी आराम है काफी। नमस्ते जी। बहन जी नमस्ते। तू खीसी बैठी है क्या? खड़ी दिक्कत है क्या? नहीं, पेट में दर्द रहता है ना, पीठ की थैली में पथरी है। अच्छा, पथरी है। आपकी वाइफ है? जी। राम राम। कहाँ से आए? राम राम भाई। दिल्ली में, पालपुर से। तो दवाई पर ले ली है पर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आया यूट्यूब से देख के। कहाँ से आए हो? झज्जर से आए। क्या हो रहा है? वजन की दवाई लेना है, वजन घटाने की। मतलब पतला होना है? बिल्कुल। अच्छी बात है जी। फ्री में? हाँ जी, फ्री में पतले हो गए। फ्री में। राम राम चाचा। राम राम। राम राम। ठीक से है? हाँ। क्या हो रहा है? घुटनों में दर्द है। कितना आराम है? आराम 15 दिन की दवाई ली, बहुत आराम है। क्या नाम है पहलवान जी? सुनील। सुनील कहाँ से आया मेरे भाई? फरुखनगर से। फरुखनगर गुड़गांव दूर है, पूछ गया भाई के रास्ता क्या दिक्कत हो रही है? कुछ ना, पापा ले गए तो पहले तो दवा दिलवा गए, तो आराम है, उनकी दवा लेना आया था। अच्छा, दोबारा लेना है? हाँ। जी नमस्ते। इकट्ठे जा रहे हो? इतने नया पेशेंट लेके आया हूँ, टीम का नया लेके आया हूँ, टीम बढ़ाने लग रहा है। हाँ, और क्या। सही, आ जाओ भाई। भाई साहब कहाँ से आए? मेरा गाँव किलोई, भाई साहब भूपेंद्र उड्डा का हल्का,
जी। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम है जो नजले की मेडिसिन के लिए आया हूँ। चलो राम राम भाई, कितना रहा है? जा खुद के बाद रुड़ता है। ठीक है भाई, क्या हो गया दलाल साहब? हाँ जी, क्या हो गया? किडनी स्टोन है। फिर से कोई किडनी खातर इतनी दूर किस अच्छा हॉस्पिटल में जाता? देख ला, पहला हॉस्पिटल में गए थे, इलाज वगैरह करवाया था, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, लेकिन फिर दोबारा हो जाए तो कुछ है। हाँ। तो भाई साहब, ये किस टाइप की पथरी है? किडनी में जी, टाइप टू तो नहीं पता मेरे को किस टाइप की, लेकिन हाँ एसिडिटी वगैरह थोड़ी रहती है, गैस वगैरह बन जाती है शायद, उसकी वजह से बनती होगी शायद। ये ओके, क्या है बात हुई है? अब जो पहली बार आया मैं तो, फर्स्ट टाइम। चलो मिल लो, फिर देखेंगे, देखते आपको भी। थैंक यू। बहन जी राम राम। राम राम। कित तक पहुँचे? जीरो तक से। क्या दिक्कत हो रही है? एलर्जी हो रही थी। तो वीडियो देखे या फर्स्ट टाइम आए हो? ना जी, किसी ने बताए थे। अच्छा, पहले नहीं आई? ना जी, दूसरी बार आई। कितना आराम रहे? आराम है जी, 50% तक ठीक हो जाएगा। हाँ जी, चलो। सब का ये है कि किसी एक का है? ना जी, मेरे साथ मार रही है जी, मेरे दिखाने ले रही। हाँ जी, चलो सही है। बहन जी आ जाओ भाई, ठीक रहे। तू क्या रजिस्टर ले रहा है? ये नाम लिखा हुआ है अपना, मरीज के नंबर लग गए। हाँ, नंबर लग, नंबर पे देखा जा। हाँ, नंबर वाइज। अंदर आ जा भाई। अब तेरा क्या काम है? आज मैं भी एंट्री करता हूँ। कितने एंट्री करता है? रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कितने पेशेंट आए, नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ताकि पूरा डाटा। कहाँ है बैठ जी? कहाँ है? ऊपर है जी, इलाज ऊपर करा है। हाँ जी, चलो ऊपर आ जा। राम राम जी। जय श्री राम, जय हनुमान। तो बैद जी, सीधी बात करेंगे, सीधी बात नो बकवास। मैंने नीचे गणिए माता आ रही थी, उन तो बात करी, कई भाई आ रहे थे, ताऊ आ रहे हैं। बैद जी कैसे फ्री? काफी वीडियो मैंने भी देखे हैं आपकी, फ्री कैसे? सर ये हमने एक सेवा का मिशन रखा था, पहला सुख निरोगी का पे काम करके, भाई ये जो काम है सिर्फ सेवा के लिए रहेगा। मैं इसको अकेला लेके चला था, अभी बहुत से दानवीर लोग मेरे से जुड़ गए। जो ये सेवा का हर रविवार को ये गांव पुराणी के अंदर 13 बीमारियों पे जो सेवा दी जा रही है, उसके अंदर अब पूरी टीम गठित हो गई है। अकेला चला था मैं, और पहले तो हम जैसे हाँ अपने आस पड़ोस में गाँव में गवांड में दवाई जाती थी, अब तो देश में विदेश तक दवाई आ जाती है। मतलब बहुत दूर दूर तक लोग आ रहे हैं, मैंने बात करी नीचे, जयपुर से आ रहे हैं, नारनौल से आ रहे हैं, गुड़गांव से, दिल्ली से, रोहतक से, झज्जर से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो सर इतनी दूर से कोई आ रहा है और आप यहाँ बैठे हो, ये दवाई भी रखी है, बहुत सारा खर्चा भी कर लाग रहे हो, टाइम भी है, 3-4 आदमी और भी है आपके साथ काम करनी है, सर देखो कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। आप फ्री दे रहे हो मान लिया, नीचे कह तो देते भी हो गए, पर कहा कैसे? नहीं इसमें तो जो है ना, एक तो हमारे इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स है, तो वहां से इनकम आ रही है, वो दान में लगा रहे। कुछ जो समाज के दानवीर लोग हैं वो हमसे जुड़ गए, भैया एक अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छा लोगों को सेवा दे रहे हो, तो इसके रिगार्डिंग वो अपनी इनकम से कुछ हिस्सा भाई जो दान में देना, एक अच्छी जगह दान देना एक अलग बात ही है, तो उन्होंने ये चीज चूज किया भाई हम लोगों की जो सेवा है, हेल्थ की सेवा कर पाए आप, उसके लिए जितना भी वो कोशिश है भाई उनका, भाई वो जितना डोनेशन दे सकते वो देते हैं, और किसी मरीज से आए पैसा लेने का काम नहीं है। सर फिर आप स्पेशलिस्ट किसके हो, मतलब क्या ठीक कर सकते हो एकदम से? हमारे पास ऐसा जी, ये 13 बीमारी है, 13 की 13 पे जबरदस्त रिजल्ट है, जो यहाँ से दवाई लेके जाता है वो ठीक होना ही होना है। और लेकिन यहाँ गांव बराणी के अंदर आए सिर्फ रविवार को, बाकी दिन अगर आप घर बैठे दवाई मंगवाना चाहते हो तो कोरियर से मंगवा सकते हो। अपनी भी स्क्रीन पे यो नंबर मेंशन है भाई, इस स्क्रीन से भी आप इनका बैचियों का जो कॉन्टेक्ट नंबर संपर्क सूत्र है वो उठा के इन पे कॉल कर सको हो, जानकारी भी ले सको हो, और जानकारी के साथ साथ अगर आपने दवाई मंगवानी है, होम डिलीवरी करवानी है, तो भी इनसे बात कर सको हो। सर क्या क्या बीमारियां हैं वो? जोड़ा का दर्द आज मतलब इंटरनेशनल बीमारी हो रही, जोड़ा का दर्द बाहर देशों में जोड़ा का दर्द है, गठिया है, गठिया लाइलाज बीमारी बताते, लेकिन हम इसका इलाज तो 4 महीने हमारी दवाई खा गया तो ठीक होना ही होना है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। बवासीर है, शुगर है, बीपी है, पथरी,
लोग कहते पित्त की थैली की पथरी निकालते, हम एविडेंस के साथ चैलेंज करके पित्त की थैली की पथरी को निकालते हैं। ये देखो 23.7 एमएम की पथरी थी, इसको बिल्कुल क्लियर कर दी, नॉर्मल आ गई। यहाँ पे कितने दिन बाद ये इसकी 1.5 महीने की दवाई के अंदर, और ये अभी आपको दिखाता हूँ 15 दिन का रिजल्ट। 15 दिन का जो रिजल्ट था, 15 दिन पहले इसको एक पथरी थी 6.9 mm की राइट किडनी में, लेफ्ट किडनी में थी 10.1 mm की। अभी जो 6.1 mm की थी राइट किडनी वाली, वो तो नॉर्मल आ गई, उसमें कोई किडनी नहीं, वो पथरी नहीं है। और जो लेफ्ट किडनी में है वो पिंगड़ के 10 से 5 पे आ गई। तो ये रिजल्ट बोल रहा है हमारा, हम किसी को सर, एक बात में सीधे तौर पर आपसे बात कर लू, नीचे कुछ पेशेंट थे शुगर के बहुत तगड़ी, मतलब दुनिया भर की जाने लेती है शुगर, इतनी खतरनाक बीमारी है, और आप उसको फ्री में ठीक कर देते? फ्री में ठीक कर रहे हैं जी, यहाँ पैसे का कोई काम नहीं है। कोई इच्छा से, अपनी इच्छा से हमने एक छोटा गल्ला रख रखा है, कोई अपनी इच्छा से 10-5 रुपये दान करना चाहे तो दान कर सकता, लेकिन हमने किसी को भी एक पैसा चार्ज लेने के लिए वो नहीं किया। भाई एक पैसा हम किसी से लेंगे नहीं, हो सकता है कोई लाचार मजबूर गरीब आदमी इलाज से वंचित रह जाए, हम नहीं, हम यहाँ नहीं रहने देंगे जो हमारे दर तक आ जाएगा। हम उसको देंगे दवाई निशुल्क देंगे, देते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, देख रहे हो आप भी, अगर भाई वीडियो भी देख रहे हो, और भी जो यहाँ पे आए हो तो देख ही रहे हैं। आप कितने दिन से काम कर रहे हो? हम अभी ये जो फ्री सेवा वाला 3 साल से काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस तो 10-11 साल का हो गया टोटल। 10-11 साल से लगातार आप यूं काम है, और ये 13 बीमारियों पे काम कर रहे हैं, जिसमें घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गठियाबा है, रंगड़बा, एलर्जी है, किसी भी टाइप की एलर्जी, चाहे वो स्किन की है, चाहे वो इंटरनल है, छींक आ रही है बार बार, परेशानी हो रही है, नजला टाइप में भी है, मतलब मेन तो उसको एलर्जी बोलते हैं, जिसको बार बार छींक आना है या वो है, तो उसके ऊपर भी हमारा जबरदस्त काम है। और ये पथरी हमने दोनों बता दी भाई, गुर्दे की या पित्त की थैली की, या भाई जहाँ भी पथरी अब पथरी पिंगड़ के निकलती है, कितना ही साइज हो पथरी का, ये भी नहीं है भाई 5 mm तक लिकड़ेगी या 10 mm तक लिकड़े, नहीं, हमारे उसमें तो प्रोसेस में जितने मोटी होगी उतना टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन निकलनी है वो पिंगड़ के निकलनी। इसके बाद बात करते हैं PI लो की, कौन सा भी हो, हाई हो लो, उसको मैनुअल ट्रीटमेंट भी बताएंगे, और यहाँ भी, और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो रविंदर वैद झज्जर के नाम से, रविंदर वैद झज्जर के नाम से यूट्यूब चैनल है, हमने वहां पे कुछ नुस्खे शेयर किए आप लोगों के लिए, ताकि आप छोटे मोटे इलाज तो घर बैठे भी, खांसी का है, BP का है, और जो छोटे मोटे इलाज है वो अपने घर बैठे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं जी, अपने घर में जो जड़ी बूटी पा जाए भाई, रसोई की उन काम चल जाना जी। इसके बाद सिर दर्द, कितना ही पुराना सिर दर्द हो भाई, 2 साल 4 साल 5 साल, एक आदमी 20 साल तक सर में दर्द है, और कुछ शुगर भी भाई, एक एक आदमी का नूना मेरा कितनी आ रही है, 600 आ रही है 400 आ रही है 700 आ रही है, कितने कितने साल तक दवाई खा छक लिए लोग, चूर्ण भाई देसी आयुर्वेदिक करेला का जूस, फलाना जूस पीपी का एडी दोटी था कड़वी हो लिए, लेकिन वो शुगर ना घेरा दवाई तो खो दिया, और वो भी निःशुल्क। पेट गैस की आज जो हमारा खाने पीने का तरीका चेंजर हो गया है भाई, मैदा दबड़ी चीजें, ज्यादा तली पड़ी चीजें, आजकल रेडिया देखिए मार्केट के अंदर कितना जबरदस्त दौर है, युवा पीढ़ी तो ये लगा लो खाती जो आज का ना खाने वाली चीज, बीमारी को खा रही है युवा पीढ़ी, बिल्कुल हमारा, हमें तो आने वाली पीढ़ी की ये चिंता हो रही है कि उसका क्या होगा, आज जब खाना पीना सारी चीज ठीक होते हुए भी लोग बीमार है, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। इसके बाद कब्ज, कितनी पुरानी हो, सभी रोगों की जननी माँ जिसको बोलते हैं वो कब्ज है। अगर कब्ज पे हमने, अगर हमारा पेट 100% साफ होता रहा, बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद बात करते हैं बवासीर, खुन्नी हो, बादी हो, कैसी भी हो, हम यहाँ ठीक कर देते हैं। मोटापा में 1 महीने के अंदर हमने 5 से लेके 10 किलो तक, आपने वीडियो देखी हमारी, स्टेटमेंट देखी मरीजों की, उसमें 5 से 10 किलो तक का हमने यहाँ
मतलब वजन कम करने का कीर्तिमान स्थापित किया। साइटिका सर, साइटिका का 3 महीने ट्रीटमेंट लो, कितना ही पुराना साइटिका हो ठीक हो जाए। हाँ, कमर से कोई भी L4 L5 कोई भी दबरी हो, नजला के लिए मैक्सिमम 2 महीने का और रहता, ज्यादा ही पुराना तो 3 महीने, ना तो 2 महीने नजला की साय हो खत्म कर दिया जी। तो वैद्य जी बराणी गांव में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, गांव बराणी, जिला झज्जर हरियाणा। झज्जर से चरखी दादरी रोड पर बराणी गांव है। झज्जर से 12-13 किलोमीटर पड़ता है और अपने चरखी दादरी से 30-32 किलोमीटर पड़ता। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर आप आने में असमर्थ है, यहाँ आना है तो सिर्फ संडे को, हम यहाँ सिर्फ संडे को ही दवाई दे पाते हैं, बाकी किसी दिन आप ना आए। और अगर बाकी किसी दिन आप दवाई का प्रोसेस चाहते हो तो ये कोरियर की सुविधा हमने कर रखी है, आप कोरियर के माध्यम से दवाई मंगवा सकते हो, ठीक है, घर बैठे मंगवा सकते हो। अपनी जो भी जानकारी है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, मरीज का नाम, उम्र, ये तकलीफ इतने दिन से है वो लिख के शेयर कर दो, हमारी टीम आपको फॉलो करेगी, फोन करके आपकी सारी स्टेटमेंट लेगी, आपको फॉलो करेगी और आपको ये दवाई प्रोवाइड आपके घर पे करवाई जाएगी। तो भाई एक बात ही मेरी भी सुन लो, स्क्रीन पे इनके नंबर मेंशन है, आप इनसे बात करके अपनी तसल्ली करके इनसे दवाई लेना या मंगवाना, क्योंकि वैद्य जी रविंदर जी है, पवन मलिक मोखरा कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं है। मेरा काम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना था। अगर आपने थोड़ी सी भी शंका लग गए तो स्क्रीन पर नंबर है, आप इस इनसे इनकी टीम से बात करें और प्रॉपर जांच करके अपनी दवाई मंगवाएं और सही हो, अच्छी हो, तो भाई आप अपनी भाई जो बीमारी है उसको भाई अपने शरीर से दूर करें। बने रहिए अभी मनु मूवीज के साथ। हमारे साथ जुड़ गए थे रविंदर बैद, और ये वीडियो आप लोगों ने किसी लगे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर कर दिया करो वीडियो ने, इस तरह की वीडियो शेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर बीमार है और आपके एक शेयरिंग से उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो दवाई लेना जा ठीक हो जाए तो आपको भी पुण्य का, आपने भी मतलब भाई लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद जी, वैद्य जी, राम राम, जय श्री राम।